हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जिससे डी का अभ्यास 8 है। इस तरह की 10 से 16 से 17 सेट है, जिसमें से 7 से 8 हजार पूरे क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी थ्योरी सेशन आपने पढ़ा होगा, उन सबका अपना स्कोर चेक कीजिए। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट तो हो चुका, चाहे आप एमपी सुपर टेट मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, एमसीक्यू सेशन, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीजें अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, सभी चीजों को देखिए। और ये तो मैं आपको डेली बेसिस पे रिवीजन क्लास प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आप अपना स्कोर चेक कीजिए। 100 क्वेश्चन का ये सीरीज है आज का, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड प्रबंधन और प्रशासन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी बुक में ज्यादातर इसका मैटर नहीं मिलता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल व ग्रुप में। जैसे कि टेलीग्राम चैनल का जो मेरे चैनल का नाम है स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप जाके सर्च कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से चैलेंज प्रतियोगिता का प्रकार है। टूर्नामेंट से रिलेटेड दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन आया हुआ था एमपी टेट मिडिल वाले में। तो आपने देखा होगा टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने हल कर लिया होगा। जैसा कि मैं टूर्नामेंट से रिलेटेड थ्योरी सेशन बनाई हूँ, जिस वीडियो को आप देख करके सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर किसी भी चैनल को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निम्न में से चैलेंज प्रतियोगिता का प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं, टूर्नामेंट 4 प्रकार का है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, चैलेंज टूर्नामेंट। जिसमें से चैलेंज टूर्नामेंट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, लैडर टाइप एंड पिरामिड टाइप। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका चैलेंज प्रतियोगिता का प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ यहाँ पे राइट हो जाएगा, पिरामिड किंग टाइप यहाँ पे चैलेंज प्रतियोगिता का प्रकार है। पिरामिड प्रतियोगिता जैसे चैलेंज टूर्नामेंट 2 प्रकार का है, लैडर टाइप और पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप भी 2 प्रकार का है, किंग्स टूर्नामेंट और कॉब वेब टूर्नामेंट। कॉब वेब टूर्नामेंट को स्पाइडर वेब विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अंतरविद्यालय खेल के लाभ है। अंतरविद्यालय, अंतः नहीं, अंतः रहता तो उसको इंग्लिश में हम बोलते इंट्रामुरल। अंतर यानी कि एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा मुरल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अंतर विद्यालय खेल के लाभ यानी कि एक्स्ट्रा मुरल जो खेल प्रतियोगिता होता है उसका क्या लाभ है? तो एक्स्ट्रा मुरल खेल प्रतियोगिता होता क्या है? अगर एक विद्यालय के अंदर, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर कोई प्रतियोगिता होता है, तो उसको इंट्रा मुरल यानी अंतर विद्यालय कहा जाता है। और जब एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय से प्रतियोगिता होता है, तो उसको एक्स्ट्रा मुरल या अंतर विद्यालय बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मुरल यानी कि अंतर विद्यालय खेल के लाभ पूछा है, तो इसका क्या लाभ है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि क करेक्ट हो जाएगा, कौशल में दक्षता का विकास होता है। कौशल में दक्षता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 टीमों के एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, आप लोगों को बताया गया है कई बार कि एकल नॉकआउट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n-1 एंड डबल नॉकआउट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n-2 है।
तो यहाँ पे एकल नॉकआउट पूछा है, 21 टीमें हैं तो कितने मैचों की संख्या होगी थी, तो एन माइनस वन यानी 21 माइनस वन यानी कितना होगा, 20 कुल मैचों की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंट्राम्यूरल यानी कि एक विद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं, और एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के मध्य जो प्रतियोगिता होती है उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे इस बार एमपी टेट में आपके। तो दोस्तों यहाँ पे इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या ऑप्शन दिया है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करना, ये तो राइट है, इंट्राम्यूरल अपने ही विद्यालय में हो रहा है तो एक आपस में सभी विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित हो रहा है। विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाना, ये भी उद्देश्य है। खेल प्रतिभाओं की खोज करना, जैसे कि हम लोग प्रतियोगिता करा रहे हैं अपने विद्यालय के अंदर, तो उसमें जाहिर से हमको दिखाई देता है कि कौन बालक में क्या कमी है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता की क्रियाएं हैं। तो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता की क्रियाएं दोस्तों बड़े खेल भी होते हैं, मनोरंजनात्मक तालबद्ध क्रियाएं भी होती हैं, रचनात्मक क्रियाएं भी होती हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी अध्ययन पद्धति यानी टीचिंग मेथड है इन चारों ऑप्शन में, तो कौन है दोस्तों सबसे अच्छी इन चारों ऑप्शन में है, श्रव्य दृश्य विधि। श्रव्य दृश्य विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति तकनीक है। प्रस्तुति तकनीक, तो हम किसी चीज को प्रस्तुत कैसे कर पाएंगे, उसका प्रदर्शन करके, तो यहां पे प्रदर्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। दोस्तों कोई भी पाठ योजना हम आप कैसे बनाएंगे, पाठ योजना का उद्देश्य हमेशा, जब भी पाठ योजना बात आए तो वो हमेशा विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही हम किसी पाठ की योजना बनाएंगे, यानी क्या सब्जेक्ट हमारा, हम किस चीज का पाठ योजना बना रहे हैं, तो हमेशा विषय वस्तु पर ध्यान रख के पाठ योजना हमेशा बनाना चाहिए। नेक्स्ट, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। दोस्तों लीग प्रतियोगिता जिसे राउंड रॉबिन प्रतियोगिता भी कहा जाता है, ये दो प्रकार की होती है, सिंगल लीग और डबल लीग, और इसमें फिक्सर डालने की तीन विधियां होती है, साइकिल, टेबलर और स्टीयर केस मेथड। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 10 टीमों की डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। जैसा कि दोस्तों सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n n-1/2, लेकिन डबल लीग में क्या सूत्र है, ओनली अपान टू हटा देंगे, सेम वही रहेगा, n n-1। डबल लीग में क्या है, n n-1, तो यदि आप डबल लीग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, n n-1 क्या है, 10 × 10-1, तो क्या हो जाएगा, 10 × 9 यानी कि 10×9=90, क्या सही हो जाएगा आपका, 90 आपका 90 मैच खेले जाएंगे, तो कितना होगा आपका आंसर, आंसर आपका होगा, आंसर कितना हो जाएगा, कुल 90 मैच, कितना खेला जाएगा, कुल 90 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टूर्नामेंट से ही रिलेटेड कि 8 टीमों की सिंगल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो सिंगल लीग का सूत्र क्या होता है दोस्तों, सिंगल लीग का सूत्र होता है n n-1/2, तो क्या हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8 − 1/2, तो 8 × 8−1 क्या हो जाएगा, 7, 8 × 7=56, ठीक है, तो 56/2, तो 28 × 56 हो जाएगा, यानी कि कुल कितने मैच खेले जाएंगे, अगर 8 टीमें की सिंगल लीग प्रणाली द्वारा मैच कराएंगे तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे सिंगल लीग में,
तो 28 मैच, कितना 28 मैच, और डबल लीग होता तो 56 होता, ठीक है, इस सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 टीमों के नॉकआउट प्रणाली के तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे, तो यहां पे आपका हो जाएगा 15 मैच, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लीड अप गेम सहायक है, तो दोस्तों लीड अप गेम जो होता है मनोरंजन उपलब्ध कराने तथा कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंपर्क की विधि है, तो जनसंपर्क की विधि क्या है, प्रदर्शनियां भी है, खेल दिवस भी है, रैलियां भी है, इन सभी के माध्यम से लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से संपर्क होता है, सामाजिक मेल मिलाप होता है, तो ये सभी जनसंपर्क के माध्यम है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है आपको देखना है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है कि शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो कौन है शारीरिक शिक्षा के प्रति गलत धारणाओं को दूर करना, एकदम इसका उद्देश्य तो है, जो भी शारीरिक शिक्षा के प्रति गलत धारणाएं है उसको दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। एंड कॉलेजों की प्रगति की सूचना जनता को देना, यह भी मेरा उद्देश्य है। एंड जनता से धन इकट्ठा करना, ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की जानकारी जनता को देना, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा, जनता से धन इकट्ठा करना शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों टेबलर पद्धति संबंधित है, तो दोस्तों साइकिल, टेबलर, स्टेयर केस मेथड, ये तीनों जो है लीग प्रतियोगिता में फिक्सर डालने की विधियां हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को 5 वर्गों में किस पद्धति में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है मुंबई विधि में। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में किस विधि में ऊंचाई को नहीं माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा YMCA पद्धति में ऊंचाई को नहीं माना गया है, और सभी मैकलाय मुंबई विधि, नेशनल कोजन विधि में माना गया है। नेक्स्ट सारी शिक्षा में शिक्षण के किस साधन द्वारा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, दोस्तों किसी भी चीज को हम उसका मॉडल देखते हैं, आकार देखते हैं, तो उसको देख करके शिक्षा में एक रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ आपका करेक्ट हो जाएगा, मॉडल, किसी के प्रारूप को देखकर। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है, यानी कि इसको हम केवल देख नहीं सकते, तो श्रव्य साधन नहीं है, श्रव्य मतलब सुनने का, ठीक है, सुनने का साधन नहीं है, तो टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, लेकिन फिल्म स्लाइड जो है वह दृश्य साधन है, क्या है, दृश्य साधन है, तो आपका ग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन है, तो यहाँ पे वीडियो टेप, टीवी, ये दोनों दृश्य साधन है, जबकि रेडियो जो है आपका श्रव्य यानी सुनने का साधन है, तो ग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है, श्रव्य दृश्य दोनों साधन कौन है इसमें, तो वीडियो टेप है, कौन है, वीडियो टेप है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में खेल के कौशल को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन है, तो शारीरिक शिक्षा में खेल के कौशल को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि है दोस्तों प्रदर्शन विधि। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए सेलेक्टिव है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यही रिवीजन आपको काम में आएगा। ये थोड़ी है कि आपका परीक्षा एक हफ्ता, दो हफ्ता या एक महीना बाद है, तो आप अभी तैयारी करें, आप पहले से तैयारी करते रहेंगे, प्रैक्टिस लगा करके कंप्लीट रहेंगे, अपने गलतियों को ढूंढेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, तभी आपको सफलता मिलेगी। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इस दौर में
जब तक आप सभी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम किस टॉपिक में कमजोर हैं अभी, और उस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए। जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ लिया है, उसका रिवीजन करते रहिए कि आपसे, आपके माइंड से वो गायब ना हो। जैसे कि आप थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तैयारी का नियम। तो तैयार रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। एंड अभ्यास के नियम, जिसको आप बार बार करते रहेंगे वो आपके हैबिट में आ जाता है। और प्रभाव का नियम, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए, आपको उसमें रुचि होना चाहिए। तो थॉर्नडाइक के 3 नियमों के सीखने के नियम को अपना लीजिए, आप हमेशा तत्पर रहेंगे सीखने के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्स्चर बनाने की कितनी विधि है। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया कि लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। और लीग टूर्नामेंट के फिक्स्चर बनाने के लिए 3 विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर और स्टेयर केस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों दो, यहाँ पे अक्सर हम लोग 2 ही पाठ योजना देखे हैं, एक सामान्य पाठ योजना, जो सामान्य एक्टिविटीज, वार्मिंग अप वगैरह होता है और सामान्य चीजें होती है। एक विशिष्ट पाठ योजना जो हमारे खेल से रिलेटेड होता है, विशेष खेल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों का साइकिल के पहियों के तारों के समान खड़ा किया जाता है, यह संरचना क्या इस संरचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह संरचना जो है स्पोक संरचना कही जाती है। साइकिल की तिल्ली, जो साइकिल के पहिए की तार होते हैं, उन तारों के समान खड़ा किया जाता है एक सीक्वेंस में, उसको स्पोक संरचना बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम हेतु समय अवधि किस आधार पर होनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम हेतु जो समय अवधि होगा किस आधार पर होनी चाहिए, तो यह भी हमेशा कार्यक्रम की विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कार्यक्रम की विषय वस्तु। नेक्स्ट दोस्तों, एकल लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 है, तो मैचों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सिंगल लीग टूर्नामेंट में पूछा है कि मैचों की, सिंगल लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 है, तो मैचों की संख्या कितनी होगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंगल लीग में ज्ञात करने का सूत्र है यन, क्या है यन, यन माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 अपॉन 2। तो 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 तो 15 हो जाएगा। कुल 16 में 15 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 240 आएगा। कितना आएगा, 240, 240 में अपान 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 120 दूरा 240, यानी कि आंसर कितना आ गया दोस्तों, 120। यानी कि एक सिंगल लीग में टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 है, तो मैचों की संख्या कितनी होगी, 120 होगी। कितनी होगी, 120 होगी। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता है। तो दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता आपका हो जाएगा ग, स्नातक प्लस शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री। जैसे कि आप लोगों ने स्नातक किया होगा, उसके बाद बीबीएड किया होगा या कोई अन्य डिग्री किया होगा, जो आपके एक शारीरिक शिक्षा में एक स्नातक की डिग्री है, जिसके तहत आप कोई एग्जाम दे करके एक शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। जैसे कि आपने टीजीटी पीजीटी दे रखा है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्पोक संरचना में किसके लिए खड़ा किया जाता है। तो जो स्पोक संरचना होती है, एक साइकिल के जो तार होता है उस प्रकार के सीक्वेंस में, जो हम पीटी कराते हैं उसमें हम स्पोक संरचना के आधार पर खड़ा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छा अनुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं। जब अपनी इच्छा अनुसार शिक्षक के सामने विद्यार्थी खड़े हो जाए
तो इस संरचना को मुक्त संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त संरचना। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना पड़ता है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नॉकआउट प्रतियोगिता में एक बार जो टीम मैच हार जाती है वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, यानी वो सभी टीमों से एक मैच नहीं खेल पाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किस प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना पड़ता है? तो वह होता है आपका लीग टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एमपीटेट में आया हुआ था कि राउंड रॉबिन प्रतियोगिता किसे कहा जाता है, तो लीग टूर्नामेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो विषय वस्तु तो है, प्रभावित करता है, सुविधाओं की उपलब्धता भी है, सुरक्षात्मक साधन भी है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा निर्णय लेने की क्षमता ये भी है, बट सबसे कम प्रभावित ये करेगा, ठीक है, और सभी चीजें ज्यादा प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट है निरीक्षक, यानी जो ऑफिशियल का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, जो ऑफिशियल होता है उसका मुख्य कर्तव्य निर्णय देना होना चाहिए, वो भी निष्पक्ष। नेक्स्ट, मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन में शामिल होता है। तो दोस्तों इवेल्यूशन में आपका मेजरमेंट यानी मापन एंड परीक्षण यानी टेस्टिंग दोनों शामिल होता है, यानी हम किसी चीज का टेस्ट लेंगे उसके बाद मेजरमेंट करेंगे कि हाँ, जैसे कि आपका परीक्षा लिया गया, उसके बाद हमने उसका मापन किया कि आपने कितना अंक पाया, उसके बाद इवेल्यूशन करेंगे कि हाँ आप में क्या कमी है, आपने कितना सुधार किया है, कितना सुधार करने की आपकी जरूरत है। ये सभी चीजें टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक उसका एक एक करके देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल टीमों की संख्या 14 है, तो कुल चक्रों की संख्या कितनी होगी? चक्रों यानी कि राउंड की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों राउंड ज्ञात करने का सूत्र होता है जितना 2 के पावर में होगा वही आपका राउंड ज्ञात करने के राउंड होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बाई ज्ञात करने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2-1, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है, ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2-n, बाई ज्ञात करने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2-n। तो मान लीजिए 14 टीमें हैं, तो हम इसमें अगर बाई ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है, बराबर 16, यानी कि 2 के पावर कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है, 2 के पावर कितना हुआ, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 तक हम जाएंगे उसके बाद आपका निकल जाएगा, तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 के पावर में जितना होगा वही आपका राउंड होगा, चक्र होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ख, यानी कि यदि एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल टीमों की संख्या 14 है तो कुल चक्रों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगर इसमें बाई पूछता कितना होगा तो हम 16 में से 14 को घटा देते, बचता 2 और 2 आपका बाई दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एंड इवेल्यूशन एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एंड इवेल्यूशन जो होता है यह एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन उद्देश्य बनाता है। तो दोस्तों मूल्यांकन जो है वह उद्देश्य को स्पष्ट बनाता है। कैसा बनाता है, स्पष्ट बनाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही तो हम अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि कितना हमारे में कमी है और कितना हमको सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट, 14 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दिया जाएगा दोस्तों? तो बाई ज्ञात करने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2-n। ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 4 × 8 × 16, 16 − 14 बराबर 2, यानी कि कितने बाई दिए जाएंगे, तो बाई कुल दिए जाएंगे 2, कितने बाई दिए जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इवेल्यूशन सहायक होता है, मूल्यांकन सहायक होता है। तो दोस्तों उचित शैक्षिक निर्देशन में सहायक होता है, पाठ्यक्रम के परिवर्तन में सहायक होता है,
विद्यार्थियों को वर्गीकरण में सहायक होता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को प्रभावित करते हैं, तो पाठ्यक्रम या सिलेबस को व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं, वातावरण जन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे, क और ख दोनों, यानी ग आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस दर्शन पर आधारित है? यह तो आदर्शवाद पर सबसे ज्यादा आधारित होता है, बट यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, प्राकृतिक दर्शन, इन तीनों पर आधारित है। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो दोस्तों पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उसमें थोपते जाए, उसका बालक का मन ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। आपको पता है थर्ड एक्ट ने सीखने का तीन नियम दिया है, मुख्य तीन नियम दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। जब बालक का उसमें रुचि ही नहीं रहेगा, वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं रहेगा, तो वो सीख ही नहीं पाया। ये पाठ्यक्रम विद्यार्थी बालकों की रुचि के आधार पर होना चाहिए, अभेदभाव रहित होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप पाठ्यक्रम जबरदस्ती उस पर थोप दीजिए और उसको लाइफ में उसका कोई प्रोग्रेस या कोई रिलेटिव नहीं है उस सब्जेक्ट का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम हमेशा बालकों की रुचि पर आधारित होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास करने वाला होना चाहिए। उपरोक्त सभी आसन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए, प्राइमरी विद्यालय स्तर पर कि माध्यमिक स्तर पर कि महाविद्यालय स्तर पर, तो सभी स्तर पर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कि खेल को विकसित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, तो दोस्तों मैनेजमेंट, खेल प्रबंधन क्या आवश्यक है? मैनेजमेंट यानी खेल प्रबंधन सबसे ज्यादा आवश्यक है खेल को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन एक कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों तो यह एक विकासशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकासशील प्रक्रिया है। सारी शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन एक विकासशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सारी शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए, तो किस पर आधारित होनी चाहिए? दोस्तों यह शैक्षिक दर्शन पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, खेल प्रबंधन एवं प्रशासन में मूल्यांकन क्या है? तो दोस्तों खेल प्रदर्शन एवं प्रशासन में जो मूल्यांकन है वह आवश्यक है। केवल खेल प्रबंधन और प्रशासन में ही नहीं, हर एक चीज में मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी गलतियों को, अपने योग्यता को परख सकते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। तो मूल्यांकन आपके हर एक चीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्राम्यूरल कार्यक्रम हमें प्रदान करता है, तो इंट्राम्यूरल यानी कि विद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं, और एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के मध्य जो प्रतियोगिता होती है उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, इंट्रामुरल कार्यक्रम हमें प्रदान करता है, तो यहां पे उपलब्धि भी प्रदान करता है, सहभागिता भी प्रदान करता है, उत्साह भी देता है बच्चों को, तो उपरोक्त सभी आसन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि दो संस्थाओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैं बताई हूं, दो संस्थाओं के मध्य अगर होने वाली प्रतियोगिता है तो वो होता है एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिता। क्या होता है? एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिता। और एक ही एक विद्यालय के चार दीवारी के अंदर पूछेगा तो इंट्रामुरल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लैक बोर्ड एक शिक्षण साधन है, जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं, तो यहां एक प्रकार का क्या है? दृश्य साधन है। कैसा है? दृश्य साधन। नेक्स्ट, खेल प्रबंधन है, तो खेल प्रबंधन दोस्तों कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? इंट्राम्यूरल पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंट्राम्यूरल संस्थान के भीतर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता को इंट्राम्यूरल कहते हैं, और एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं।
नेक्स्ट है अध्यापक, अध्यापन की एक विधि है। तो अध्यापन की एक विधि यहां पे प्रदर्शन है। क्या है? प्रदर्शन है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे अच्छा गुण उसका होना चाहिए कि वह एक अच्छा परफॉर्मर यानी कि निष्पादन निष्पादक होना चाहिए। नेक्स्ट आदेश विधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों आदेश विधि हम कर आदेश देते हैं वो करते हैं तो वो होता है आपका मार्चिंग में, और पीटी कराते हैं वो भी आदेश विधि होता है। नेक्स्ट है खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है। तो दोस्तों चित्र पोस्टर अखबार यानी कि खेलों के लिए सबसे उपयोगी होगा आपका दृश्य श्रव्य साधन। क्या होगा? दृश्य श्रव्य साधन इन ऑप्शनों में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। तो दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि लीग टूर्नामेंट को कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है? लीग टूर्नामेंट को। इसको बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन भी आपके एमपी टेट में आया हुआ था मिडिल में कि बर्गर सिस्टम किसे कहा जाता है, किस टूर्नामेंट को? तो लीग टूर्नामेंट को कहा जाता है। एंड लीग टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। और लीग टूर्नामेंट में फिक्सर डालने की कितनी विधियां होती है? तीन विधियां, साइकिल, टेबुलर, स्टेयरकेस मेथड। नेक्स्ट है दोस्तों कि सीडिंग कितने प्रकार की होती है। तो सीडिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, यानी सीडिंग भी की जाती है यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट के रोमांच को बनाए रखने के लिए अच्छी टीमों को अलग अलग हाफ क्वार्टर्स या समूह में रखना ही सीडिंग कहलाता है। यानी कि अच्छी टीमों को पहले ही राउंड में आपस में प्रतिस्पर्धा से नकारा जा सके। जैसे कि दोस्तों सीडिंग दो प्रकार की होती है, एक सीडिंग होता है, एक स्पेशल सीडिंग होता है, सुपर सीडिंग। नेक्स्ट है खेल प्रबंधन का क्षेत्र निर्भर करता है। तो खेल प्रबंधन कर्मचारियों पर निर्भर करता है, सुविधाओं पर निर्भर करता है, वित्त पर। कर्मचारी नहीं रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, सुविधा नहीं रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा, वित्त नहीं रहेगा, धन नहीं होगा तो भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी पर, ठीक है। नेक्स्ट सारे शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क ही करेक्ट हो जाएगा, प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक जो होता है वो सर्वोत्तम साधन है किसी भी चीज के लिए, सारे शिक्षा के लिए तो और बेहतर साधन है। नेक्स्ट दोस्तों पीबीईएस का तात्पर्य क्या है। तो पीबीईएस, पी से प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, बी से बजटिंग, ई से इवेल्यूशन, एस से सिस्टम, यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग इवेल्यूशन सिस्टम, ये आपका पीबीईएस का तात्पर्य है। नेक्स्ट है खेल प्रबंधन में सबसे कठिन प्रबंधन है। तो खेल प्रबंधन में सबसे कठिन प्रबंधन कर्मचारी का है। नेक्स्ट है खेल प्रबंधन के लिए प्राचीनतम अभिव्यक्ति कही गई है। तो दोस्तों पहले खेल प्रबंधन को प्रशासन के रूप में कहा जाता था, तो खेल प्रबंधन के लिए प्राचीनतम अभिव्यक्ति कही गई है प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक कक्षा प्रबंधन को प्रभावित नहीं करता। क्या है? नहीं करता। तो कौन नहीं करता है इसमें आपको छांटना है। तो कक्षा घनत्व है, आयु और लिंग है, पूर्व अनुभव, ये सभी चीजें कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करते हैं, बट आपका सामाजिक स्तर यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है मानवीय तत्वों को संगठित करना आधारभूत सिद्धांत है। मानवीय तत्वों को संगठित करना आधारभूत सिद्धांत है। तो किसका? संगठन या प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत है मानवीय तत्वों को संगठित करना। नेक्स्ट है कि प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं। तो प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को रणनीति या स्ट्रेटजी बोला जाता है। किसी भी चीज को रणनीति या स्ट्रेटजी उसके सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट रणनीति यानी स्ट्रेटजी को बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधन के आधारभूत कार्य है। तो प्रबंधन के आधारभूत कार्य नियोजन एवं संगठन है, निर्देशन एवं कार्यक्रम को सही ढंग से करना है,
आर्थिक एवं प्रबंधन है। ये सभी चीजें आपके प्रबंधन के आधारभूत कार्य हैं। तो दोस्तों प्रबंधन और प्रशासन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम में इससे अंतर्गत क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है खेल प्रबंधन की आखिरी कड़ी है। तो खेल प्रबंधन की आखिरी कड़ी क्या है दोस्तों? किसी भी चीज का आखिरी कड़ी में हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करती है, इवोल्यूशन करते हैं। तो खेल प्रबंधन की आखिरी कड़ी क्या हो जाएगी? नियंत्रण एवं इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रामुरल एवं एक्स्ट्रामुरल खेल प्रतियोगिताएं योगदान करती है। इंट्रामुरल यानी किसी संस्था के चार दीवारी के अंदर प्रतियोगिता, एक्स्ट्रामुरल यानी एक संस्था के दूसरे संस्था के बीच की प्रतियोगिता होती है। तो इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल खेल प्रतियोगिताएं योगदान करती है। तो किसमें योगदान करती है दोस्तों? यह शैक्षिक लक्ष्य में किसमें योगदान करती है? जो शैक्षिक लक्ष्य हमको प्राप्त करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करती है। यहाँ पे दोस्तों आपका उपयोग सभी होना चाहिए, बट जैसे कि एथलेटिक के टैलेंट के विकास में भी ये सहायक होता है। ठीक है, एंड शैक्षिक लक्ष्य में भी सहायक होता है, संस्था के सम्मान में भी सहायक होता है। बट यहाँ पे शैक्षिक लक्ष्य आपको करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो शैक्षिक लक्ष्य के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, बट यहाँ पे शैक्षिक लक्ष्य को आपको करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? तो किसी भी चीज का प्रथम चरण होता है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए में कौन सी प्रबंधन पद्धति नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका नौ व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं है। उसके अलावा क्लासिकल सिद्धांत, नौ क्लासिकल सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, ये सभी प्रबंधन पद्धति है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए में कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों कार्य का विभाजन है, तभी आपका प्रबंधन अच्छा होगा। सबको कार्य का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम बांटते हैं प्रबंधन में। एंड अनुशासन होना चाहिए, निर्देशन अच्छा होना चाहिए, वातावरण यहाँ पे आपका प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक पर्यवेक्षण की विधि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे पर्यवेक्षण की विधि कौन सा नहीं है? दौरा करना, सम्मेलन करना, कार्यशाला, ये सभी चीजें हैं, बट एकत्रित करना आपका पर्यवेक्षण का विधि नहीं है, तो संगठन का विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रबंधन का कार्य नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, विषय वस्तु का वो कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट और क्या है दोस्तों? दिखाई नहीं दे रहा है। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एल एच हेने का। किसका है? एल एच हेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कुशल नेतृत्व स्किलफुल लीडरशिप का गुण नहीं है? तो दोस्तों किसी भी लीडरशिप कुशल नेतृत्व में उत्तरदायित्व की भावना होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए, ऊंचाई का इसमें कोई भी महत्व नहीं है। ऊंचाई उसका कोई माने नहीं रखता, उसके अंदर टैलेंट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की विधि है? तो इसमें से कौन है दोस्तों? सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस आपका पर्यवेक्षण की विधि है। नेक्स्ट है पाठ योजना की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो पाठ योजना की भाषा नहीं होना चाहिए पूछा है,
तो यहाँ पे पाठ योजना की भाषा होना कैसा चाहिए, स्पष्ट और सरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं होना चाहिए, तो अस्पष्ट और कठिन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है, नाक कम लीक, लीक कम लीक कम नाक। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे नाक कम लीक है, लीक कम नाक है, नाक कम नॉकआउट है, बट यहाँ पे नॉकआउट नहीं है, नॉकआउट एक अलग प्रकार का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो कक्षा शिक्षण की बात कर रहा है, सारी शिक्षा के शिक्षण मैदान में फील्ड में नहीं कर रहा है, कक्षा में शिक्षण का सबसे अच्छी विधि क्या है, हम लोग क्या करते हैं, व्याख्यान विधि, ठीक है, लेक्चर विधि। नेक्स्ट है, वार्तालाप ऐसी सभी चीजों का जोड़ है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ पैदा करना चाहता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है बेटा, यह कथन है एल ए एलन का। नेक्स्ट है, सारी शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सारी शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाला विद्यार्थियों की संख्या भी है, उपकरण की उपलब्धता भी है, वातावरण की स्थिति भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है, किसी भी कक्षा का प्रबंधन जो है वह धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, सामान की उपलब्धता पर भी, और कक्षा में छात्रों की संख्या पर भी होता है। तो यहाँ पे आपका इन सभी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका लग रहा है सिखाने वाली क्रिया का प्रकार, ठीक है। कक्षा प्रबंधन किस पर निर्भर करता है, सिखाने वाली क्रिया का प्रकार पर, ठीक है, कि किस प्रकार की क्रिया है उस क्रिया के आधार पर हम प्रबंधन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है तो सिखाने वाली क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पाठ योजना की भाषा शैली होनी चाहिए। तो पाठ योजना की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए दोस्तों, विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए पे गए होंगे, साधारण समझने योग्य, ये तो होना ही चाहिए, बट पाठ योजना की भाषा हमेशा पाठ से संबंधित होना चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। तो विधि पूर्वक होना चाहिए और विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है, निरीक्षण समझा जाता है, निरीक्षण यानी कि जो इवोल्यूशन है, निरीक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति है। निरीक्षण क्या है दोस्तों, सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति है, किसी चीज को निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति है। नेक्स्ट है कि जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो दोस्तों जिम्नास्टिक कला अक्सर आप देखे होंगे, अक्सर वो उपकरणों या सामग्री के साथ ही किया जाता है, तो यह सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से जिम्नास्टिक कला को उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य साधन अध्यापक की सहायता करता है, क्योंकि ये दृश्य श्रव्य साधन क्या करते हैं, यह पाठ को और प्रभावशाली बनाते हैं, उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी विद्यालय कार्यक्रमों में से किसे इस कार प्लग कहा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा समय सारणी को। दोनों चीजें याद रखिएगा, प्रतियोगिता का ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति को बोला जाता है, और किसी भी विद्यालयों में से स्पार्क प्लग कहा जाता है समय सारणी को। नेक्स्ट, अंतर सदनीय प्रतियोगिताएं किसके लिए महत्वपूर्ण है। अंतर सदनीय यानी कि एक संस्था से दूसरे संस्था, यानी एक्स्ट्रा मुरल की यहाँ पे बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता की बात कर रहा है। तो अंतर सदनीय प्रतियोगिता यानी एक्स्ट्रा मुरल जो प्रतियोगिताएं होती हैं किसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो यह दोस्तों आपका होता है विद्यालय के लिए भी, महाविद्यालय के लिए भी, विश्वविद्यालय के लिए भी, यहाँ पे उपरोक्त सभी के लिए आपका महत्वपूर्ण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो नहीं है पूछा है, कौन सा इसमें प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो किसी भी प्रबंधन का हम एक योजना अच्छा बनाएंगे, उसका अच्छा निर्देशक होना चाहिए और उसका समन्वय अच्छा सा होना चाहिए, ये तीनों चीजें हैं, बट संघ नेतृत्व आपका नहीं है। नेक्स्ट है, संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को कहते हैं, तो संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को कहते हैं दोस्तों इंट्राम्यूरल, ठीक है। यदि एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं, और संस्था की चार दीवारी के अंदर जो आयोजित होती है उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। एक क्वेश्चन बार बार हर बार आता है, विशेष रूप से कंफ्यूजन मत होइएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल प्रतियोगिता करने हेतु प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत है, तो खेल प्रतियोगिता करने हेतु प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत, उसका व्यवस्थापन भी होना चाहिए, सही योजना भी होना चाहिए, आय व्यय लेखा जोखा भी होना चाहिए, ठीक है, अपने बजट के अनुसार, तो उपरोक्त सभी चीजें आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन यह निर्धारण है कि उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाए, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों लार्सन एंड योकम का, कि मूल्यांकन यह निर्धारण है कि उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक्स्ट्रा मूरल प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है? एक्स्ट्रा मूरल यानी कि एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो एक्स्ट्रा मूरल प्रतियोगिता का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों स्वास्थ्य का विकास भी है, कौशल का विकास है, सामाजिक विकास है, बट संस्था का विकास नहीं है, क्योंकि संस्था का विकास करने के लिए हम तो प्रतियोगिता आयोजित नहीं करा रहे हैं, उस खिलाड़ी यानी कि प्रतियोगी जो है उन लोगों का विकास करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मैनेजर क्या करता है? मैनेजर को ही हम प्रबंधक कहते हैं, ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है? प्रबंधन का कार्य करता है। क्या करता है? प्रबंधन का कार्य करता है, मैनेजमेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक है, तो खेल सामग्री उपकरण वाला भी क्वेश्चन आपकी MPTET में आया हुआ था, ठीक है, प्राइमरी या मिडिल दोनों में आया हुआ था ये क्वेश्चन, यहाँ पे गुणवत्ता आपका करेक्ट होगा। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने योग्य कारक क्या है? तो उसके सबसे पहले हम उसकी गुणवत्ता देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खेल प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको देखना है, तो योजना बनाना भी है, संगठन करना भी है, निर्देशन भी है। तो जब तीनों ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन में दिया रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइएगा, जब तीनों ऑप्शन होगा सही तो आपका घ लगाना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, आरसी डेनियल के अनुसार खेल प्रबंधन के कार्य है, तो इनके अनुसार खेल प्रबंधन के कार्य योजना, संगठन, नियंत्रण, ये सभी चीजें हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों समय और स्थान का पूर्व निश्चय भी कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत है, सुरक्षात्मक साधन भी है, अध्यापक का अच्छा व्यवहार भी है, बट स्कूल का नाम आपका कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंज प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? तो चैलेंज प्रतियोगिता जो है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की होती है दोस्तों? यह होती है लैडर टाइप एंड पिरामिड टाइप, जिसमें से पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट एंड कार्ब वेव टूर्नामेंट। कार्ब वेव टूर्नामेंट को स्पाइडर वेव विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का 100 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको अननेसेसरी हो। एंड आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।